माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो होती है .doc या .docx। जैसे ये जो है ना, ये वर्ड की फाइल है, ठीक है। अब ये है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड, लेकिन इसको कैसे पता करें ये वर्ड की फाइल है? भाई देखने से तो एक क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना हो तो उस फाइल पे जाके राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइएगा और यहाँ पे देखिए ये आपको एक्सटेंशन मिलेगा .docx। अगर .docx एक्सटेंशन है या .doc है तो समझ जाइएगा कि वो एमएस वर्ड की फाइल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, ये स्टार्ट बटन है विंडोज 11 का। अगर आप विंडोज 10 यूज करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल हम आते हैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ टाइप करेंगे वर्ड WORD। टाइप किया तो यहाँ देखिए वर्ड पैड आ रहा है, एमएस वर्ड ये वाला है। हमें एमएस वर्ड ओपन करना है, वर्ड पैड नहीं ओपन करना है, ठीक है। अभी आप यही गलती कर रहे थे, तो आपको एमएस वर्ड ओपन करना है, वर्ड पैड ओपन नहीं करना है। वर्ड पैड के फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .rtf। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पर जब मैं सेव करने जाऊंगा, देखिए इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करूंगा तो नीचे क्या आ रहा है? .rtf फॉर्मेट आ रहा है। RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। लेकिन हम ये भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन हमको क्या यूज करना है? एमएस वर्ड यूज करना है। तो एमएस वर्ड के लिए हमें ऊपर वाला एमएस वर्ड ओपन करना होगा। तो ये वर्ड हमने लिखा और यहाँ पर ये एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। ये आपका एमएस वर्ड है, ये भी एमएस वर्ड है, ये 2007 है और ये 2021 है। चलिए 2007 से काम करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाता है, ये इस तरीके से ओपन होता है। अब ये देखिए सबसे ऊपर जो है आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? टाइटल बार। क्या दिखाई पड़ रहा है? टाइटल बार। और इसके ठीक बगल में क्लोज बटन है, ठीक है। इसके बगल में है मैक्सिमाइज बटन या रीस्टोर बटन बोलते हैं इसको। और इसके ठीक बगल में क्या है? क्लोज बटन है, ठीक है। और ये हेल्प का बटन है, हेल्प की शॉर्टकट की F1 होती है, यानी फंक्शन बटन F1। अब यहां पर बात करें तो ये ऑफिस बटन है, ठीक है। अगर आपको फाइल पे ये ऑफिस बटन पे जाकर के न्यू फाइल लेनी हो तो न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+N होती है। ओपन करना है, ओपन पे क्लिक कर सकते हैं, बनी हुई फाइल्स ओपन हो जाती है। इसमें जो भी फाइल बनी होगी वो एमएस वर्ड की वो ओपन हो जाएगी। जैसे ये हमने बनाया है तो ये फाइल ओपन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से जो भी फाइल आप बनाए रहेंगे वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं फिर से इसको दोबारा से वर्ड को ओपन कर लेता हूँ, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर जैसे ही आए तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी फाइल क्या है? पहले से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये फाइल जो है डिलीट हो गई है, जिसके चलते ये नहीं आ रहा है। जैसे इस पे भी अगर हम क्लिक करें तो ये भी फाइल डिलीट हो चुकी है, दिखा रहा है कि कुड नॉट फाइंड, यानी ये फाइल को फाइंड नहीं कर पा रही, ये फाइल डिलीट कर दी गई है। ये ऑफिस बटन है हमारा, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सेव पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की होती है Ctrl+F, और सेव पे क्लिक करने से क्या होता है? सेव पे क्लिक करने से फाइल सेव हो जाती है। सेव एज करेंगे तो क्या होगा? सेव एज करेंगे तो वो फाइल जो है, फाइल का लोकेशन या नाम आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। और यहां पर प्रिपेयर पे जाएंगे तो देखिए प्रॉपर्टीज दिया गया, आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। टाइटल वगैरह डालना वो डाल करके पूरा डिटेल में, जैसे किताब पब्लिश होती है वैसा करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑथर हम हो गए, तो टाइटल किताब का क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कीवर्ड्स उसमें क्या डाल सकते हैं, कैटेगरी क्या है उसकी, स्टेटस क्या है किताब का, और कमेंट इसके बारे में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहां से होगा? ये यहां से होगा, ये देख रहे हैं। तो और यहां देखिए इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि इसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देना, तो यहां से भी पासवर्ड लगाया जा सकता है। सेंड माने आप इसको सेंड कर सकते हैं वाया ईमेल। पब्लिश यानी कि आप इसमें पब्लिश कर सकते हैं, अपने ब्लॉग पे कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे क्लोज करने के लिए क्लोज बटन, और यहां पर आपको एक वर्ड ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो और भी टैब्स को आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डेवलपर टैब दिख रहा है, अगर इस पर टिक हटा देते हैं तो ये जो है डेवलपर टैब गायब हो जाएगा ओके करने पर। देखिए ऊपर अब डेवलपर टैब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये तरीका है, ठीक है। और इसके नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे प्रिंट मिलता है, प्रिंट पे क्लिक करने से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू से, ठीक है। और बाकी तो ये इस पर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। और वर्ड ऑप्शन हो गया, यहाँ से एग्जिट होते हैं, ये एग्जिट हो गया, ये पूरा ही एग्जिट हो गया। हम एग्जिट होने पर पूरा ही बाहर आ जाएंगे। फिलहाल तो हमें इसे ओपन रखना है, तो यहाँ से हम इस वर्ड को ओपन करते हैं। इस पर कुछ हम टाइप करते हैं, टाइप करेंगे। मैंने आपको बताया ही, ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, और ये क्या है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। और ये रूलर बार है, क्या है, रूलर बार, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अगर यही नीचे होता है इस साइड में तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, ये जो पट्टी सी बनी हुई है नीचे जिसपे लिखा हुआ है पेज 1 वर्ड 0, इसे कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं? स्टेटस बार।
ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम चलेंगे कहां, होम टैब पर। होम टैब पर आपको ये क्लिपबोर्ड मिलता है, क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर है। कट कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम, आर ए एम, और राम लिख करके इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहां से कॉपी किया और कॉपी करके नीचे आए, एंटर करेंगे नीचे आएंगे और पेस्ट कर देंगे। देखिए पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट है, आप चाहे तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल भी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, तो कॉपी के बाद हो गया ये पेस्ट, देख रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये हमने कैपिटल लिखा है तो ये कैपिटल ही कॉपी होना चाहिए, स्मॉल क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे फिर कॉपी करते हैं, फिर एंटर करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए अब ये कैपिटल, अब ये सही से कॉपी हो रहा है, ठीक है, तो ये कॉपी के बाद पेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इसकी साइज हमने बढ़ा दी, शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन साइन है, देखिए साइज बढ़ रही है इसकी, जिसको हमने सेलेक्ट करा है, ठीक है। यहां से आप कलर बदल सकते हैं, ये फॉन्ट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है, रेड कलर का कर दिया, यहां पे जाएंगे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये कलर चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आप कलर बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि जिस साइज में ये वाला राम है इसी साइज में और इसी कलर में ये भी हो जाए, तो आप फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। तो यहां से फॉर्मेट प्रिंटर पे गए, ठीक है, ये ब्रश जैसा बन गया, इस पर चला दिया तो ये इसी साइज का ये भी सेम बन जाएगा, तो इसे कहते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। कट करना है तो क्या करेंगे, इसको कट करना चाहते हैं तो यहाँ पैची बनी हुई है, क्लिक कर दीजिए, कट हो गया यहाँ से, और इसको कहाँ लेके आना है, अब नीचे लेके आना है, तो आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यानी कट के बाद भी और कॉपी के बाद भी, दोनों के बाद आपको पेस्ट करना ही है। यहाँ से भी आप साइज बढ़ा सकते हैं सेलेक्ट करके, और यहाँ से साइज बढ़ा लेंगे तो साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए साइज घटाना चाहें तो यहाँ से भी घटा सकते हैं, या शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज घटेगी, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज बढ़ेगी, ठीक है, ये बढ़ाने के लिए और ये घटाने के लिए। अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेटिंग जो लगाई है, कलर वगैरह लगाया है, टेक्स्ट का जो साइज चेंज किया है वो सब बदल जाएगा, यानी पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, इसे कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब मान लीजिए इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, यानी गाढ़े में हो जाएगा, इटैलिक पे क्लिक करेंगे तिरछे में हो जाएगा, यू पे क्लिक करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, देख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू का बटन है, किसका बटन है, स्ट्राइक थ्रू का बटन है, तो यहां पर ये स्ट्राइक थ्रू हो गया, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब समझ रहे हैं क्या, स्ट्राइक थ्रू का मतलब लिख करके बीच में से काट दिया जाता है, तो इसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, ठीक है। एंटर करके नीचे आते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो ये एक्स तो हम लिख पा रहे हैं, पहले तो हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हटा देते हैं, ये हटा दिया, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे ये जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो हट जाएगी। मान लीजिए एक्स के बाद टू लिखेंगे तो ये टू यहीं पे आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, ये जो लिखा है ना स्क्वायर, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन, देखिए यहाँ पे प्लस बटन आ भी रहा है, तो ये जो है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए या शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक किया तो ये स्क्वायर आ गया, लेकिन अब ये बार बार हम लिखेंगे ना प्लस का निशान लगा ऊपर ही आता चला जाएगा, इसको हटाना है इफेक्ट को, तो अब इसी पे दोबारा क्लिक कर दीजिए, अब आप प्लस लिखेंगे तो इसको इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए वाई स्क्वायर करना है तो वाई लिख करके और फिर यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब ये कर लिया हमने, तो अब मान लीजिए कि ये तो ठीक है ये हमने लिख लिया, लेकिन मान लीजिए हमें अब लिखना है एक्स टू, तो अब नीचे लिखना है, तो ये देखिए ये वही चीज अप्लाइड है पहले से, तो इसको पहले हम हटा लेंगे इफेक्ट को, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना दोबारा से तो ये हट जाएगा। अब मान लीजिए हमें लिखना है एक्स टू, लेकिन नीचे लिखना चाहते हैं लेकिन ये इसके सामने आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करने से ये इफेक्ट नीचे आ जाएगा और एक्स टू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे और प्लस का निशान लगा करके वाई टू करेंगे तो ये वाई हो गया, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा टू, ठीक है, तो ये हो गया वाई टू, तो एक्स टू और वाई टू हो गया। अब इज इक्वल टू का निशान लगाओ और यहाँ पर जो भी लिखना हो वो लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखना चाहो लिख सकते हो आगे, तो समझ गया ना कैसे करना है। अब यहाँ पर ये चेंज केस है जिसमें सेंटेंस केस, लोअर केस माने छोटे लेटर में सब आएगा, अपर केस माने सब बड़े लेटर में आएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड माने पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा हर शब्द का, टोटल केस यानी कि पहला अक्षर स्मॉल रहेगा, जब भी रहेगा तो पहला अक्षर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, देखिए जरा यहाँ पर आए एंटर किया। अब मान लीजिए हम टोटल केस का यूज करें तो कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे गए टोटल केस पे क्लिक किया और मान लीजिए हम लिख रहे हैं एस यू आर ए जे, तो देखिए पहला अक्षर क्या हो रहा है, स्मॉल आएगा, ठीक है, जब टोजल केस करेंगे ना तो पहला अक्षर स्मॉल आएगा। यहाँ पे देखिए इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके टोजल केस कर दिया, तो यहाँ पे जाके ये इसको सेलेक्ट किया हमने,
जैसे जैसे टोजल किस बिल्कुल विपरीत कर देता है, ठीक है, उल्टा कर देता है। जैसे मान लीजिए ये स्मॉल है ना, तो स्मॉल को कैपिटल बना देगा। देखिए इस पर क्लिक करें तो ये कैपिटल हो गया, और अगर ये कैपिटल है तो फिर क्लिक करेंगे तो ये स्मॉल बन जाएगा, जस्ट अपोजिट कर देगा। ठीक है, टोजल केस क्या काम करता है, उल्टा करने का काम करता है। ठीक है, यानी कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल बनाता है। ये हाईलाइट करने के लिए सिलेक्टेड पार्ट को हाईलाइट कर देगा, पीछे के हिस्से को। देखिए हाईलाइट हो गया, बाकी ये तो कलर चेंज करने के लिए है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जो भी कलर देंगे वो कलर का ये हो जाएगा। ये है आपका क्या, ये है अलाइनमेंट। जैसे मान लीजिए ये सूरज लिखा हुआ है, किस साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट में। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे सेंटर में ले जाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल ही होती है। फिर लेफ्ट में ले जाना हो तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल एल होती है। आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इधर आ गए, देख रहे हैं। अगर मान लीजिए इस पर क्लिक करेंगे राइट में चले जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे, और राइट अलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर। तो कंट्रोल जे कंट्रोल आर जो भी प्रेस करेंगे, अब देखिए जस्टिफाई करने पे भी ये लेफ्ट में ही जाता है। ठीक है, जस्टिफाई कर देता है इसको। इसके बीच की स्पेसिंग अगर आप कम करना चाहें, जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है, आपको बीच की स्पेसिंग दिख रही है ये, तो ये जो स्पेस है वो यहाँ से कम हो सकता है। यहाँ पे वन कर देंगे तो स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, देख रहे हैं। और यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर, तो ये और कम हो जाएगा, देख रहे हैं। तो ये स्पेस को कम करने के तरीके हैं। बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है, तो ये मैंने कर दिया है वापिस। ठीक है, और यहाँ पर आप लिस्ट बना सकते हैं, चाहे तो बुलेटेड लिस्ट बनाइए और चाहे तो नंबर लिस्ट बनाइए। बुलेटेड लिस्ट क्या होती है, यहाँ पे क्लिक किया, आप मान लीजिए ये वाला लिस्ट बनाना है, तो ये टिक लगा, फिर एंटर किया। अब यहाँ पे लिख देते हैं श्याम, तो यहाँ पे देखिए श्याम लिखा, फिर यहाँ पर टिक मार्क अपने आप आता जाएगा। तो ये अलग अलग तरह की बुलेटेड लिस्ट है। यहाँ पे देखिए टिक मार्क भी लगा सकते हैं, ये डिस्क भी बना सकते हैं, ये डिस्क है आपका, और ये इस तरीके का भी लगा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, समझ आई बात। इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, नीचे आते हैं तो ये हमने लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद देखिए ये आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आएंगे ना तो ये देखिए ये पहला दूसरा तीसरा इस फॉर्मेट में, ये है आपका नंबर्ड लिस्ट, और वो क्या था, बुलेटेड लिस्ट था। ठीक है, तो ये हो गया बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट, समझ में आया बात। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये देखिए ये ब्रैकेट में इस तरीके से लग के आ जाएगा। ठीक है, आप जो भी चाहे जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। देखिए ये आर्टिकल 1, 2, 3 के फॉर्म में आ जाएगा, अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं इसको करने के, समझ में आई बात। यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे ये दिया गया डिक्रीज इंटेंट। डिक्रीज इंटेंट का मतलब होता है ना कि यहाँ पर जो ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर देखिए इसके इधर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हमने पेज में सेटिंग करी है, इसके इधर नहीं लिख सकते, यानी लेफ्ट साइड में आप नहीं जा सकते हम। ठीक है, लेकिन क्या हम राइट में जा सकते हैं, तो यहाँ से राइट अलाइन कर लेते हैं हम, तो राइट में चले गए। अच्छा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर हम डिक्रीज करते हैं इंटेंट को, तो डिक्रीज करेंगे तो ये किधर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा किधर की तरफ। डिक्रीज करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा राइट की तरफ। ठीक है, और इंक्रीज करेंगे तो किधर बढ़ता चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ। अब कैसे बढ़ता जाएगा उसको देखना पड़ेगा, तो यहाँ कुछ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा इंडिया, INDIA, तो ये इंडिया लिख दिया। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर कलर में आ रहा है हेडिंग में, हमें इसे नॉर्मल ही रखना है, ये नॉर्मल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम राइट में लेके चलते हैं, तो ये कर दिया राइट अलाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिक्रीज इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से डिक्रीज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो राइट की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यही तरीका है। यहाँ देखिए इसको करते हैं, देखिए ये मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, जा रहा है। और अगर इंक्रीज करेंगे तो राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ आएगा, और डिक्रीज करेंगे तो राइट की तरफ आएगा। देखिए ये डिक्रीज है, सॉरी लेफ्ट की तरफ जाएगा, और इंक्रीज करेंगे तो राइट की तरफ आएगा। ठीक है ना, समझ आई बात। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, पीछे से ये हाईलाइट हो जाएगा, ये करने का तरीका है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आप आएंगे तो फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। अगर कुछ आपने लिखा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाइंड पर क्लिक किया हमने, तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है। अब कैसे कैसे काम करेगा समझ लीजिए। फाइंड अगर करते हैं हम, तो फाइंड करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमें श्याम को फाइंड करना है, श्याम कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ श्याम पे क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन कब क्लिक करेंगे, जब इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, और कंट्रोल एफ फाइंड की शॉर्टकट की होती है। अब यहाँ पे हमें श्याम को सर्च करना है, तो ये श्याम लिखा हमने, एंटर कर दिया, तो श्याम हाईलाइट हो गया। यहाँ पे देखिए श्याम हाईलाइट है ना, इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप रिप्लेस करना चाहें श्याम के बजाय, यहाँ पे राम देना चाहें, तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे श्याम के बजाय हमने कर दिया राम, और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो देखिए श्याम के बजाय क्या हो गया, राम हो गया, यहाँ पे हो गया ना। इस तरीके से आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक से अधिक बार ये आया हो, तो रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, समझ में आया कि नहीं।
अगर आप गो टू का इस्तेमाल करेंगे तो पहले लाइन पे जाना है, दूसरे लाइन पे जाना है, कौन सा लाइन पे, देखिए लाइन सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमें दूसरे लाइन पे जाना है तो यहाँ पर टू लिखा और एंटर किया, जैसे ही एंटर किया तो आप दूसरे लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, किस पे आ जाएंगे, दूसरे लाइन पे। अगर चौथे लाइन पे जाना हो तो ऐसे ही फोर यहाँ एंटर करेंगे, चौथे लाइन पे आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, समझ में आई बात, ठीक है, पूरा का पूरा होम टैब समझ में आया आपको। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि टेबल कैसे बनानी है, ठीक है। तो मैं इस टेक्स्ट को जो मैंने लिखा है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करता हूँ सेलेक्ट करके, तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि टेबल कैसे बनानी है, तो टेबल बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है, शॉर्टकट मेथड के बारे में बताता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो शॉर्टकट मेथड है उसके थ्रू हमें टेबल बनानी है, और लॉन्ग कट मेथड तो आपको पता ही है, यहाँ पे आपको इंसर्ट पे जाना, ये इंसर्ट दिख रहा है, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आपको टेबल मिलता है, तो जितनी भी टेबल आपको इंसर्ट करानी है वैसे तो यहां से जा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये एक रो है, ठीक है, ये दूसरी रो है, ठीक है, यानी दो रो बन गए। लेकिन इसके साथ देखिए, ये इस तरीके से वर्टिकली जब जाएंगे तो ये कॉलम है, यानी एक कॉलम बना, फिर ये दूसरा कॉलम बना, तो दूसरा कॉलम बना तो उसके साथ साथ दूसरी रो भी बनी, तो रो और कॉलम इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप इंसर्ट पे जाएंगे और जितनी रो और कॉलम चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे तो उतनी रो और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्लिंकिंग है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लिंकिंग कर रहा है कर्सर, और यहाँ पे साइज वगैरह बढ़ाना हो तो यहाँ से इसको बड़ा करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक इसकी साइज भी इंक्रीज हो जाती है, ये आसान है करना, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे और यहाँ से देखिए इस पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी कलर देंगे ना वही कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये कलर देना चाहता हूँ तो इसमें ये दे दिया, अब इस पे क्लिक करूंगा तो जो भी कलर देता जाऊंगा वो कलर इसमें अप्लाइड होता जाएगा। जैसे देखिए इसमें ये कलर फिल हो गया, इस पे जाएंगे तो इस पे एक अलग कलर दे देंगे तो इसमें ये कलर फिल हो गया, फिर इस पे जाएंगे तो एक अलग कलर दे देंगे तो इसमें ये कलर फिल हो जाएगा ब्लैक वाला, ठीक है, ब्लैक व्हाइट जो भी कलर आप देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, इसमें ये कलर दे देते हैं। तो देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी इसमें अप्लाई हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं नीचे ये बन गया है, और अगर मैं फिर यहाँ जाता हूँ प्लस पे क्लिक करता हूँ तो एक और बनता जाएगा, तो इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी। डिलीट करना होगा तो इस तरीके से जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए तब राइट क्लिक करना है जबकि ये इस तरीके का हेडेड एरो बने, देखिए ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करिएगा डिलीट से लाएगा तो पूरा डिलीट कर देंगे तो ये पूरा एक देखिए एक डिलीट हो गया। अगर इस पे इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर के और फिर यहाँ से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। देखिए जैसे इस पे क्लिक है और यहाँ डिलीट प्रेस किया हमने और डिलीट सेल पे क्लिक किया तो ये वाली सेल यानी ये वाली सेल जो दिख रही है वो डिलीट हो जाएगी। तो देखिए ये वाली सेल डिलीट हो गई। अगर पूरे को डिलीट करना है पूरे को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दीजिए डिलीट सेल्स तो यहाँ सारी सेल्स डिलीट होंगी। तो देखिए ये सारी सेल्स डिलीट हो जाएंगी तो ये बनाना डिलीट करना दोनों हो जाएगा बड़े ही आसानी के साथ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है सेल्स और बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए बढ़ाने के लिए यहाँ पर जाकर के और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं ये देखिए और यहाँ पर आपको इस तरीके से जाएंगे ये देखिए ये गए यहाँ पर ये इस तरीके का एरो बनेगा यहाँ पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाएंगे तो किधर इंसर्ट करना है बिलो इंसर्ट करना है तो बिलो करेंगे तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। यानी इस तरीके से आपकी टेबल बन जाएगी, यानी टेबल कहां से बनेगी, इंसर्ट टैब से बनेगी। अगर कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पिक्चर पे जाके अपने डिवाइस पे जाके और कंप्यूटर के अंदर चले जाएंगे यानी माई कंप्यूटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो भी फोटो आपको अप्लाई करनी हो जैसे सपोज कीजिए मुझे यही अप्लाई करनी है तो इसमें अप्लाई। अब देखिए ये काफी बड़ा हो गया है, ये काफी बड़ा भी है तो इसको छोटा भी किया जा सकता है। इस तरीके से जाएंगे ना तो ये छोटा भी हो जाएगा और इसमें आप फिट भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा और अब इसमें चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा यहाँ से जा करके और इसको छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। और इस पर क्लिक करके इसको भी इसके मुताबिक एडजस्टमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको बड़ा करेंगे तो ये भी बड़ा होता जाएगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं, तमाम ये चीजें हैं जिसे आप आसानी के साथ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हेडर फुटर भी इंसर्ट कराया जा सकता है, हेडर हेड पे होता है, फुटर नीचे होता है, फुट पे होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे शेप्स की भी सुविधा आपको मिलती है, आइकन्स भी मिलता है। शेप्स अगर इंसर्ट कराने हैं तो जो भी शेप्स आपको लेने हैं उस पर क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर दीजिएगा वो शेप आ जाएगा। अगर कलर बदलना है तो यहाँ से जाके आप कलर भी बदल सकते हैं, जो कलर लगाएंगे वही कलर इसमें आ जाएगा। इस पर लिखना होगा
तो राइट क्लिक करके लिख भी सकते हैं ऐड टेक्स्ट पे जाके, और यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, तो यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसके साइज को बढ़ाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एक साथ प्रेस करेंगे तो ये साइज भी इंक्रीज होती चलेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ये करके अब जैसे देखिए शेप की आउटलाइन भी बदलनी है, जैसे ये आउटलाइन है, ठीक है, देख सकते हैं ये आउटलाइन कैसे है। तो आउटलाइन पे जाके हमें क्या करना है, यहां पर आना है और अब आउटलाइन ब्लैक करनी है। तो देखिए ये आउटलाइन ब्लैक हो रही है, अगर आपको आउटलाइन किसी और कलर में करना है, रेड कलर में करना है, तो रेड कलर में हो जाएगा। देखिए ये आउटलाइन रेड कलर में हो गया, ठीक है, देख सकते हैं ना। अगर आपको इसकी वेट मतलब इसकी मोटाई बढ़ानी है तो यहां से जाके आप बढ़ा सकते हैं। देखिए कितना आसान है ये करना, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। आप बुकमार्क भी बनाते हैं कई बार, तो बुकमार्क भी इससे बनाई जा सकती है, ठीक है। यहां से ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ऑनलाइन वीडियो भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। आप कहां से चाहिए वहां से आप वीडियो इंसर्ट करा सकते हैं, तो ये सुविधा आपको अपग्रेडेड वर्जन में मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये अलग अलग चीजें दी गई हैं, तो यहां पर अब आप वीडियो सर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे सर्च करता हूं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिख के एंटर करेंगे तो यहां पर जो है यूट्यूब पर जाकर के अब इंसर्ट भी कर सकते हैं आप। तो यहां से इंसर्ट पे जाएंगे और सर्च करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे, तो जो भी चीज चाहिए होगा वो यहां पे सर्च करके आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल इसको बंद करते हैं। यहां से स्क्रीनशॉट दिया गया है, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये स्क्रीनशॉट आ रही है, तो ये इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो स्क्रीनशॉट लेके इसको भी लगा सकते हैं। देखिए इसके अंदर आया हुआ है, ये जो आया हुआ है ना स्क्रीनशॉट, जरा देखिए कैसे आया हुआ है, आप इसको बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से स्क्रीनशॉट आया हुआ है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना, और इसको यहाँ पे छोटा बड़ा किया जा सकता है इस तरीके से, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये भी इसमें आ गया, अब इसको भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं हम। तो ये देखिए इसके अंदर ये जो सेल बनाई थी हमने, जो टेबल बनाया था उसके अंदर हमने इसे डाल दिया है, देख सकते हैं ना, बहुत आसान है ये करना, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जब आते हैं वापस इंसर्ट टैब पर, तो यहां पर हेडर फुटर पे मिलता है, हेडर हेड पे आता है मतलब ऊपर आता है, और फुटर फुट पे आता है यानी नीचे आता है, ठीक है। तो यहां पे क्लिक किया तो ये देखिए ये हेडर है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एमएस वर्ड, क्या लिख देता हूं एमएस वर्ड, तो आप देखेंगे कि हर एक पेज पे ये एमएस वर्ड आएगा ऊपर, तो ये आपका हेडर हो गया, ठीक है। फुटर नीचे क्रिएट होता है, आप चाहे तो नीचे फुटर दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां दे देता हूं मेलिंग, मेलिंग नाम का भी एक टैब है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ऊपर देखिए ऊपर एमएस वर्ड आया हुआ है और नीचे क्या है मेलिंग है। अगर मैं यहां पर बीच में क्लिक करता हूं, देखिएगा यहां पर आए हम, क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद कर्सर यहां पे ब्लिंक होने लगा, आप नीचे भी आ सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो कर्सर यहां पर ब्लिंक करेगा, और अब कंट्रोल के साथ एंटर करिएगा, नया पेज आ जाएगा। जब नया पेज आएगा तो ये पेज नंबर 2 है, और यहां पर एमएस वर्ड आपको दिख रहा होगा, और नीचे आइएगा तो मेलिंग दिख रहा है। तो इसी को हेडर और फुटर कहते हैं, क्या कहते हैं, हेडर और फुटर कहते हैं, ठीक है। आप किसी चीज के ऊपर कमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपको यहां पर कमेंट लगाना है, या कहीं पर भी कमेंट लगाना है, एमएस वर्ड पे ही कमेंट लगाना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा एमएस वर्ड, और इस पे आप कमेंट लगाना चाहते हैं तो आप कमेंट शॉर्टकट की के भी मदद से लगा सकते हैं, और ऐसे भी लगा सकते हैं। तो कमेंट पर जाएंगे हम, कमेंट देखिए कहां मिलेगा आपको, यही इंसर्ट टैब है, और यहां पर आपको कमेंट मिल जाता है, ठीक है। क्लिक कीजिएगा, यहां पर कमेंट आ जाएगा, ये देखिए यहां पर किनारे जा रहा है, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, तो देखिए यहां पर अब कमेंट कह रहा है। तो कमेंट मतलब एमएस वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैं इसका पूरा नाम ही लिख देता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसका फायदा क्या हुआ कि कमेंट आपने लिख दिया ना, तो जब भी आप इस पे जाएंगे तो ये कमेंट आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जाते ही वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो हो रहा है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये कमेंट का फायदा है, ठीक है। आप अगर चाहे तो इसमें चार्ट भी इंसर्ट करा सकते हैं, आइकन्स भी इंसर्ट करा सकते हैं, वो तमाम कार्य कर सकते हैं जो आप करना चाहें, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये दोनों ही टैब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक ऑप्शन है बुकमार्क का, बुकमार्क कैसे बनाएं, ठीक है। तो चलिए आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कुछ लिखता हूं, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट इंसर्ट करा लिया है, अब इस टेक्स्ट में मुझे बार बार एक चीज को खोजने की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है एड, ये कुछ और भी हो सकता है, फिलहाल मैंने ऐड को ही सेलेक्ट किया। और बुकमार्क पे जाएंगे, और जैसे ही बुकमार्क पे जाएंगे ना, तो ये जो है यहाँ पे नेम
कहेगा देने के लिए। तो यहाँ पे कोई नेम चाहे तो आप दे सकते हैं, ये लोकेशन है और ये नेम है, ठीक है। तो फिलहाल हम नेम पे जाएंगे और यहाँ पर इसे एक नेम दे देंगे ऐड, क्या नाम देंगे, ऐड नाम दे दिया और ऐड नाम से ही ये सेव हो गया बुकमार्क के अंदर। अब मान लीजिए हमारा कर्सर कहीं इधर उधर चला गया हो और हम उसी ऐड को खोजना चाहते हो जो हमने सेलेक्ट किया था, एक यहाँ पे ऐड है, नीचे भी आपको ऐड देखने को मिल जाएगा कहीं यहाँ पे, तो हम उसी ऐड को खोजना चाहते हैं जिसे हमने दिया था। तो आपको करना क्या होगा, बुकमार्क पे जाना होगा और ऐड पे क्लिक करके गो टू पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यही वाला ऐड जो है सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आई होगी बात कि बुकमार्क को कैसे यूज करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।